Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. मुंबई जहां हर स्क्वायर फीट के पैसे लगते हैं, जीने के पैसे लगते हैं, बात करने के पैसे लगते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बुल पे भी पैसे लगते हैं। पैसे की इस दौड़ में घोड़े की रेस पे भी पैसे लगते हैं। टाइम बदल चुका है, यहां तक कि इंसान की तकदीर पे भी पैसे लगते हैं।
तांबे को जो सोना बना दे, पत्थर में जो हीरा तराशे, तकदीर को तलवार बना दे, मौत को जो जीना सिखा दे। हैं कुछ ऐसे लोग जो जीते हैं शान से और आजमाते हैं अपनी जान से। है जीतना इनकी फितरत, जब हथियार है इनका लक। अगस्त 1963, महाराष्ट्र, यवतमाल मस्जिद टूटकर गिर पड़ी। 300 लोग मारे गए, सिर्फ एक 9 महीने का बच्चा बिना खरोंच के जिंदा बच गया। पचहत्तर में धनबाद के चश्नाला जिले में बाढ़ आने से 372 लोगों की मौत हुई। चंद बचे लोगों में एक था 12 साल का करीम मूसा। 14 साल की उम्र में करीम ने अपने दोस्तों से चौथे माले से कूदने की शर्त लगा ली। 3 दोस्त मारे गए, करीम की कुछ हड्डियां टूटी पर वो शर्त जीत गया। 19 साल की उम्र में जब करीम के दोस्त किताबों की गुलामी कर रहे थे,
तब करीम ने ताश के 52 पत्तों को अपना गुलाम बना लिया था। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी और करीम को मूसा भाई के नाम से बुलाया जाने लगा। मूसा को अपनी तकदीर आजमाने की लत लग चुकी थी। अब वो हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, केप टाउन, हर जगह अपना लग फैला रहा था। क्रिकेट बेटिंग, हवाला, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब पुराने धंधे हो चुके थे। मूसा ने ऐसी चीज का नशा पैदा किया जिसकी ना कोई सीमा है ना तो जिसकी ताकत का कोई रोक है। उसने इंसान की तकदीर पर इन्वेस्ट करने का एम्पायर खड़ा किया। दुनिया भर से पैसे लगते हैं इंसान की तकदीर पे और खेला जाता है इंसान की जान से। मूसा को अब तलाश है ऐसे लोगों की जिनका लक उसी की तरह मौत को भी मात दे दे। एक तरफ जहां मूसा जैसे लोग जिन्हें खुदा की दी हुई रहमत का एहसास है, वहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक अपनी किस्मत के बुरे या अच्छे होने का एहसास नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है राम मेहरा का। अर्शद मेहता याद है? सेम टू सेम केस है तेरे फादर का। कम से कम 25 करोड़ का घोटाला। खुद डूबे, खुदकुशी कर ली। कितनों को डुबाया? सब मरेंगे हार्ट अटैक से। कमाया तो स्टॉक एक्सचेंज का जुआ, गवाया तो जानलेवा कुआं। मेरी माँ को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक से मरी है। प्लीज। 3 महीने हैं तेरे पास। घर, जायदाद, जो कुछ भी है सब जब्त हो जाएगा। बाप के दुश्मन पीछे पड़ेंगे अलग। जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा। 2 महीना केस दबा कर रख सकता हूं। कम से कम 4 खोखा लगेगा केस रफा दफा। नहीं तो मां की तकलीफ अलग, बाप की तरह तू भी खुदकुशी कर लेना सलाखों के पीछे। राम के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो यूएस जाकर 1 का 40 करे। 2 बार वीजा रिजेक्ट होने के बावजूद उसने 3री बार फिर कोशिश की। Can you please tell me why it's being rejected? The US consulate does not give reasons for its approval or rejection procedures, Mr. Ram. Yes, Mr. Ram Mehra. Like I said, down the hall to the right. No, listen. This is my 3rd time. It's not fair. यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, माँ को संभलना, क्या चाहिए तुझे? फालतू वीजा के चक्करों में अटका हुआ है। ए, रखने अंदर। अभी यहाँ क्या बुराई है, यहाँ भी तो सब कुछ है। वीजा नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं यार, तेरे लिए नहीं होगी। ये देख, बैंक नोटिस। 3 महीने में अगर 20 करोड़ का लोन नहीं चुकाया घर जब्त हो जाएगा। माँ को पता नहीं और बता भी नहीं सकता। फिर ब्लड प्रेशर,
एक ही रास्ता था, यूएस जाकर 1 का 40 था, वो भी। और कोई रास्ता हो तो बताना, चलता हूँ। रुक रुक, एक रास्ता है। तीन बार रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा, ठप्पा तो लग जाएगा लेकिन 20 लाख। पटेल सर ने होता तो 22 लाख। पटेलों का वीजा का बहुत मचमच है ना। हाँ, पटेलों का बहुत मचमच है। इसको मालूम है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, आधे भाव में चाहिए, लंदन तक का मिलेगा। अरे जितेन का दोस्त है इसलिए डिस्काउंट दिया, मार्केट रेट 25 लाख का है, 5 लाख एडवांस चाहिए तो बोलो, टाइम कोटी मत करो। वीजा नकली हुआ तो? नोट असली होगा ना तो वीजा भी असली होगा। एडवांस रेडी होगा तो फोन करना। इतने पैसे? इम्पॉसिबल। अरे 5 लाख तक तो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं यार, तुझसे नहीं लूंगा। जब तेरे पास पैसे आए तो लौटा देना, उसमें क्या है। पैसे भी जीते, बाकी के 15 कहाँ से? वो मुझे नहीं पता, तू चोरी कर, डाका डाल, जो करने का हो कर। देख चाह है तो रहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। साढ़े लो आ गया। कौन? पता नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन हर 6-8 दिन में ना लॉटरी का टिकट खरीदने आ जाता। तेरा बाहर से यार एक लॉटरी का टिकट फाड़ के दे दिया उसको। की लॉटरी 5 लाख के सपने, आजकल भी ऐसे लोग होते हैं क्या? छोड़ना यार ये, कल बंद करते हैं अपने को क्या। नहीं आया, वो बोलता है 5 लाख नहीं देगा तब तक काम शुरू नहीं करेगा। ये ले 1 लाख, उसको बोल काम शुरू कर। अरे यार वो नहीं करेगा यार, उसने पहले बोल के रखा है कि 5 लाख जब तक मुझे नहीं मिलेंगे। जो बोल रहा हूँ वो कर, समझा? अरे ये यूएस के लफड़े में तू तो पागल हो रहा है यार, तेरे में बहुत चेंज आ रहा है। चेंज उससे आएगा जो मैं यूएस पहुंचूंगा। वो देख आ गया तेरा दोस्त। दूं क्या? दे लॉटरी दे मिस्टर इंडिया को, साला ऐसे भी तो दिखता है नहीं। Bye.
मुंबई का पब्लिक, सर पे खून सवार, ऐसे में वैन का आना, टाइम पे तेरा बच जाना, कमाल का लक है तेरा। लक? अब वही हो लॉटरी? तमांग, लाखन तमांग, इन्वेस्टमेंट का धंधा है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स? लक, इंसान के लक में इन्वेस्ट करता हूं। ये ले तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा? 2 साल से लॉटरी टिकट खरीदा हूं, 5,000 भी नहीं लगा। पिछले 2 बार तेरे हाथ से टिकट लिया, 2 लाख रुपए लगे, लाख रुपए तेरा हुआ ना। इन नोटों से कई बड़ी रकम है तेरे पास, तेरा लक। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो तेरे हाथ में। 15 दिन के लिए तेरा लक भाड़े पे चाहिए, दिन का 1 लाख, 15 दिन में 15 लाख, फिर लगा ठप्पा, चला जाए यूएस, अपने सपने पूरे कर। तुम्हें ये सब कैसे पता? धंधा है, शेयर खरीदने से पहले कंपनी के बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है, वैसे ही तेरे बारे में हमें सब कुछ पता है। मिस्टर राम मेहरा, पैसा होने से लक नहीं बनता, मगर लक होने से पैसा बनता है, तो बड़ा कौन हो? वो बड़ा हथियार तुम्हारे पास है। करना क्या होगा? रात को 9 बजे पॉइजन के सामने। पहले का 3 लाख चुकाना बाकी है और तुम फिर भी खेलने को आए। पहले देखा तुम्हारा जैसा येड़ा
नो टाइम वेस्ट, पैसा रख वरना आज तुम्हारा डेड बॉडी इधर से निकलेगा। सॉरी। जुए की कसम स्वामी, जी करता है 3 लाख रुपए अभी दे दो। तो देना। तू खेलने देगा तो कमाऊंगा ना, और कमाऊंगा तो दूंगा ना। ए, शाना बनते। सॉरी, टू मच कर रहा। दिमाग ठंडा रख स्वामी, धंधे की बात कर। एक छोटा सा गेम, हिसाब चुकता। गेम? क्या गेम है? ये तेरा लाइटर। क्या? ठीक तरह चलता नहीं। सिगरेट जलता है, और क्या चाहिए? 5 में से सिर्फ एक बार जलता है। तो? मेरे साथ ये छोकरा है, तेरा लाइटर जलाएगा 5 बार। 5 के 5 बार जल गया तो तू मुझे 6 लाख देगा, एक बार भी चूक गया तो मैं तुझे दूंगा। इम्पॉसिबल। एतमान, तुम्हारा बस 6 रुपया नहीं, 6 लाख का बात करता है? चुना लगा थे। ऐसा नहीं तो क्या हुआ? घोड़ा तो तेरे पास है, अगर मैं हार गया तो ठोक देना मेरे को। ए बच्चे, ए लाइटर, 5 बार 6 लाख। लग गया बे, लग गया। आओ 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 ना। तू पागल है क्या? तुझे उसकी 50 पैसे के लाइटर पे भरोसा है? 50 पैसे के लाइटर पर नहीं, तेरी तकदीर पर भरोसा है। तू काहे को टेंशन लेता है? चल बैठ, घोड़ा तो मेरे सर पे लगा है ना। ये खुदकुशी है। ये खुदकुशी नहीं, खुद की खुशी है। तेरे पास वो हथियार है जो इंसान की लकीरें पलट दे। तमांग का तुझ पर भरोसा है, और वैसे भी बैटिंग का उसूल है, पैसा लगने के बाद पीछे नहीं हटते। हे लैला मजनू, नो टाइम वेस्ट। चल बैठ। स्वामी, मेरी जान का तो पता नहीं, मगर तुम्हारा 6 लाख गया, अफसोस। चल राम। स्वामी अभी तक पागल हो गया होगा साला। तमांग,
मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं यूएस जाऊंगा। अगली बार कुछ भी हो मुझसे मिलना मत। तू पागल है, तेरे साथ मैं भी मरता। अगली बार इतना बड़ा गेम कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं आज के बाद तुझसे मिलना नहीं चाहता। एटीएम मशीन लूट कर जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहता है, ये भी नहीं समझता कि तू खुद एक एटीएम है। कितनों को एहसास है कि लक उनके साथ है, ऐसा लक जो आने वाली मौत का रास्ता बदल दे। मुझे तेरी बातों से कोई मतलब नहीं है राम। तमांग का उसूल है किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। तो जाना चाहता ना, जा, मगर अपने नसीब का कमाया हुआ ये रुपया रख ले। तुझे तो मैं गुड लक भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुड लक उसे बोला जाता है जिसका टाइम खराब हो। ऐश कर। जी मूसा भाई, अपने पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं तमांग जी। वो लड़का राम है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा यानी पैसा लगेगा। अपने धंधे में जब काम आगे ना बढ़े ना, तो समझ लो कि टाइम गलत है। जुआ ड्रग्स की तरह है तमांग, उसे अकेला छोड़ दो, तड़प उसे वापस ले आएगी। मैं समझता हूँ मूसा भाई, कल मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा हूँ। पैसा लगाने का 2 नंबर पे, ओए नहीं 11 नंबर पे लगाना। 3 नंबर पे लगाओ साहब, 3 नंबर बहुत लकी है, पिछली 5 रेस वही जीत चुका है। डूबेगा साहब, पैसा डूबेगा। ए शॉर्टकट, नंबर 8 पे पैसा लगाओ साहब, बिंदास। 8 लंगड़ा है साहब, लंगड़ा है। पिछले हफ्ते हम उसको सुलाने वाले थे, पर ऐन वक्त पर पिस्टल जाम हो गई तो बचा हुआ है। पिस्तौल नहीं चली ना, जिंदा है ना, इसी को तो लक बोलते हैं साहब। पैसा लगाओ। वैसे भी अगर उसका लक नहीं चला तो क्या, मेरा चलेगा ना। बात तो है साहब, जिस ऊंट पर बैठती है वो ऊंट जीतता है। कहते हैं पैसा कमाने का शॉर्टकट है शॉर्टकट। चल मेरे 8 नंबर, निकल जा शॉर्टकट से। वाह, चल चल। लड़की एक्सपोर्ट करो दुबई। 2 लाख नहीं, 4 लाख एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। जहां शॉर्टकट को नंबर पर जीतने का गुरूर है, वहीं एक ऐसा इंसान भी है जिसे अपनी वर्दी, मुल्क और अपनी सेना पर फक्र है।
कुमाऊं रेजिमेंट से लेकर राजपुताना राइफल्स तक जिनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। तीन वॉर फ्रंट्स पे जहां न जाने कितने शहीद हुए, वहीं अनगिनत गोलियों के बौछार से जिंदा बच के वापस आने वाले मेजर जावर प्रताप सिंह। तुम फिक्र मत करो, फिक्र तुम्हारे चेहरे पर है। मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। मुझे मुझे जाने दो। बस करो, तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती शीला। तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, तुम्हें लड़ना होगा आखिरी दम तक। हम जीतेंगे, जीतेंगे हम। भाभी आया, ये 3 लाख। मेजर साहब, मैं समझता हूं, लेकिन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वक्त बहुत कम है। काफी पैसों की जरूरत होगी, कम से कम 20-25 लाख। और अगर कुछ दिनों में बंदोबस्त नहीं हो पाया तो बचाना मुश्किल होगा। तमांग। मेजर जाबर प्रताप सिंह। बहुत कम नाम ऐसे होते हैं जिनका टेलीफोन उठाने का जी करता है। पिछली मुलाकात याद है? अच्छी तरह। धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, कैसे भूल सकता हूँ। मेरा इरादा बदल गया है, मिलना चाहता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे तुझ जैसों की जरूरत है। मेरे पास वक्त कम है और मेरे पास लक कम है। कितने दिन और कितना मिलेगा? जितने दिन तू जी पाए और जितना तू गिन पाए। लेकिन याद रहे मेजर, एक बार घुस गया तो पीछे नहीं हट सकता। दुश्मन का बॉर्डर हो या दी हुई जबान, हिंदुस्तानी सिपाही पीछे नहीं हटता। कोई शक? इरादा फिर बदल गया तो? इंसान का इरादा और उसकी तकदीर बोल के नहीं बदलते। भरोसा करना होगा। गैमलिंग में भरोसा नहीं, लक चलता है। और इंसान और लक दोनों का कोई भरोसा नहीं। 20 दिन में 20 करोड़, जैकपॉट। वेलकम मेजर। सलाम वालेकुम मोसे भाई। दुनिया की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुजरिम को मुकर्रर किए गए वक्त पर फांसी नहीं लगी हो।
रस्सी के फिसलने से राघव ने मौत का वक्त बदल दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे फिर फांसी लगाने की दरख्वास्त की, पर भारतीय कानून के तहत किसी मुजरिम को दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। उसे बाइज्जत बरी किया गया। राघव रघुवरन, शायद लक उसके साथ था। ए राघव, जेल में तो टिकता नहीं, नरक तक तो पहुंचता नहीं, तेरा लक तो उससे भी ज्यादा हरामी है। काम करेगा मेरे साथ? न 20 रुपए की रस्सी राघव का दम तोड़ सकती है, न 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। तमांग खरीदता नहीं, भाड़े पे देता है। भाड़े पे तो टट्टू मिलते हैं तमांग, रेस में असली नस्ल के घोड़े जीतते हैं। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। अब तो शो करेगा। बहुत खर्च कर लिया तूने। तू चिंता क्यों करती है माँ? ये देख, वॉलेट भरा हुआ है ना। इतना सारा पैसा, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? तुझसे झूठ बोलूंगा क्या? अरे जितिन, मुझे वहां जाना है। आंटी, वहां सेल लगा है। शॉपिंग मॉल, 50% सेल। पैसा उड़ाने का अपना ही एक मजा है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, वो पैसे के पीछे भागता है, और जब उसके पास पैसा आ जाता है, उसी पैसे को ठोकर मारता है। क्यों राम? फोन क्यों किया? न्यूयॉर्क में इससे कई बड़े बड़े मॉल्स हैं। मैं फोन रखता हूँ। फोन रखने से इनकमिंग पैसा रुक नहीं जाता। उस बनिए के साथ घूमेगा तो मुंबई में ही शॉपिंग करता रहेगा, मगर तमांग के साथ एक कॉफी तुझे न्यूयॉर्क पहुंचा सकती है। मैं नहीं आऊंगा। अकेला आएगा तू। कॉफी पीने के लिए लक को साथ लाने की जरूरत नहीं। 4 बजे कॉफी शॉप। माकाचीनो। मोकाचीनो, यही तो फर्क है हम दोनों में। मेरे पास पैसा है पर स्टाल नहीं, और तेरे पास स्टाल है पर पैसा नहीं। क्यों बुलाया मुझे? क्या उखाड़ लिया 10 दिन में तूने? एक ढेला भी नहीं कमाया। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश के साथ कोई गारंटी नहीं आती। तेरी उम्र में दिन का 1,00,000, 10 दिन में 10,00,000 का नुकसान हुआ ना। मैं देता है गारंटी के साथ। तू मुझे खरीद नहीं सकता। तमांग खरीदता नहीं, भाड़े पे लेता है। और इस बार 20 दिन का 20 करोड़, ज्यादा भी। मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? और वैसे भी तमांग, अगर मैं लकी होता तो ना 3 बार वीजा रिजेक्ट होता, ना घर गिरवी होता, ना मैं जिंदगी से भागता। वो सब बैड लक नहीं, तमांग तक पहुंचने का गुड लक था। चांद पर पहुंचना हो तो सितारों पर नहीं रुका करते, वो तो खुद गिरते रहते। मैं जा रहा हूं तमांग। We'll be right back.
मूसा, करीम मूसा, वो कहते हैं ना कि बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तू नहीं जानता तेरी कीमत क्या है। चाहते क्या हो मुझसे? वही जो उस रात तूने तमांग के साथ किया था। तुझे तो बस आना है, बाकी तेरा लक करेगा। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। लक्ष्मी तुझे टीका लगाने आई है और तू ईद का चांद बना हुआ है। मुझ पे इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? 3 साल की उम्र में 4 माले की बिल्डिंग से गिर के कितने लोग बचते हैं? 13 साल का था तू, तेरे 5 दोस्त ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए और तुझे खरोच भी नहीं आई। मेरे बारे में तुम्हें ये सब? तेरे बारे में तुझसे ज्यादा जानता हूं मैं। ये तेरा पासपोर्ट, 10 साल US वीजा के साथ, तेरा डिपॉजिट हमारे पास रहेगा। ये 10 लाख रुपए तेरा एडवांस और इस पासपोर्ट पर तू केप टाउन जाएगा। 20 दिन तू हमारे लिए काम करेगा, 20 दिन के बाद तेरा डिपॉजिट वापस, चला जा US। तुम्हें मेरी इतनी जरूरत क्यों है? जिस दिन से तमांग तुझे मिला उस दिन से इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए तुझ पर लग चुके, यानी के बम्पर एडवांस बुकिंग में हाउसफुल। अगर मैं ना कहूं तो? केप टाउन वन वे, 20 दिन में 20 करोड़, लाइफ में यू टर्न। मुंबई इंस्पेक्टर पाटिल, 20 करोड़ की उधारी, मां की बीमारी, एटीएम की रॉबरी, डेड एंड। Enjoy the ride. हम वहीं जाएंगे जहां तुम्हें पहुंचना है। Shuck, I'm gonna face the guys. Boy, shuck, boy, shuck. Rock is the key.
What are you doing? Don't worry, Ram. तुम बहुत कीमती हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके. तुम्हें कुछ नहीं होगा. I know you are lucky. On his way. Does anyone here speak English? I said, does anyone in here speak English? Shut up. All I want to know is... Is this your first time? Yeah. No wonder. I don't understand. Dying men should learn to make peace with silence. Jesus! Hey! Sorry. Watch it! I can't. My eyes are on my eyes. I'm sorry. I'm blindfolded. Me too. She's not Hindustani. Why? It can't happen. No. It's like that. ऐसे क्या हिंदुस्तानी लड़कियां लकी नहीं होती? नहीं, ये तो तुमने साबित कर दिया कि तुम लकी हो. वो कैसे? मैं तुम्हारी गोद में जो गिरा. लकी तो तुम हो जो मेरे हाथ बंधे हुए थप्पड़ नहीं खाया तुमने. शायद अनलकी हूँ, इसी बहाने आप मुझे छू तो लेती. यू विश. वैसे भी कहते हैं कि किसी के छूने से अपना लक खराब हो सकता है. छूने से तो पता नहीं, हाँ दोस्ती ना करने से जरूर हो सकता है. वेल, शक्ल देख के सोचूंगी. आप शक्ल देखती रहना, मैंने तो आवाज सुन के ही सोच लिया. What? Welcome everybody. इस गेम में दो तरह के लोग आते हैं, एक जिनका लक अच्छा होता है और दूसरा जिनका लक बहुत अच्छा होता है. कुछ लोग ये गेम पहले खेल चुके हैं, बाकी सब पहली बार. कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हार गए हैं
वो दोबारा खेलने के लिए जिंदा नहीं बचे हैं। जो लोग पहले खेल चुके हैं उन्हें उम्मीद है कि वो अगली गेम तक पहुंचे। तुम लोगों पर कितने डॉलर्स लगे हैं इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। Bring the guns. Welcome again, Aisha. मरने के लिए किसी को दावत नहीं देते तमंग। आंखों में फिर वही गुस्सा। Like it. Good luck. There are 6 bullets in your gun. 5 are blanks. 1 can kill you. 5 bullet mein zindagi hai aur 1 mein maut. Kiski kismat mein kya hai ye koi nahi janta. Aim at the person to your right. 15 गोलियों की आवाज एक साथ सुनना चाहता हूं मैं। Trust your luck. All the best. ओए तमंग, ज़्यादा गबाज़ी न कौन। तबीयत गबाज़ी कवे। देख तमंग, मुझे मेरा पासपोर्ट दे। मुझे नहीं खेलना है। मरने नहीं आया हूं मैं। अब्दुल, बैटिंग का उसूल है पैसा लग चुका है, पीछे नहीं हट सकता। चल चल तमंग, पासपोर्ट दे मेरा। तू नहीं खेलेगा तो मैं खेलूंगा। तेरे पीछे वाले की पिस्तौल में 1 गोली है, बचने के ज्यादा चांसेस हैं। मेरी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, कोई चांस नहीं। गेट बैक। ताखु वाला का प्रेस्तमा। खोपड़ी पार न करते। 55 साल में ऐसी गोली बनी नहीं जो मेजर जावर प्रताप सिंह को छूने का इरादा भी रखे। कोई शक? जज्बा, जीने का जज्बा। मेड इन चाइना मेरे हाथों से मरा ना, मां कसम इसका भूत पूरे चाइना में भटकेगा। ये ले तो अभी से भटके लाए। आगे We'll be right back.
तुम तो पहले खेल चुकी हो, ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? इस 5 मिनट के खेल की तुम्हें इतनी कीमत मिलेगी जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आज तुमने अपना और हम सबका बहुत फायदा किया है। दुनिया भर से लोग तुम पर पैसा लगा रहे हैं और अब तुम्हारा रेट डबल हो चुका है। वेल डन। वो वैन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारे रहने का बंदोबस्त है। लीव द गन्स एंड प्रोसीड। पहली बार मुश्किल होता है राम, अगली बार आसान हो जाएगा। नहीं तमांग, मजबूरी एक ही बार होती है, अगली बार नहीं, कभी नहीं। हे तमांग, गिव मी माय पासपोर्ट, आई डोंट वांट टू प्ले एनीमोर। गो टू योर वैन मकसूद। मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे। यू आर बीइंग वॉच्ड। हू इज वॉचिंग मी? मूसा विल किल यू। हु द हेल इज मूसा? गेट मूसा, गिव मी माय पासपोर्ट, आई विल किल यू मैन। डोंट बी स्टूपिड, मूसा विल किल यू। करीम मूसा। मकसूद, हमने तुझ पे बहुत भरोसा किया। 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया। आज तुझ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है। मैं जाना चाहता हूं। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा। तेरी जिंदगी के 2.5 मिनट तेरी तकदीर का फैसला करेंगे। जहां तू खड़ा है ना, उस रेत में 2 पिस्तौल गाड़ी जाएंगे, एक तेरी एक मेरी। एक गोली डाली, 5 खाली, सिर पे तानी, खोपड़ी खाली। अगर तेरा लक मूसा से भी तेज निकला, तमांग तो क्या, मूसा भी तुझे नहीं रोक सकता। मकसूद की तकदीर को नजर लग गई। वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। द ओनली थिंग श्योर अबाउट लक इज दैट इट विल चेंज। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। क्यों मेजर? ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है मूसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। क्यों रघुव? मूसा भाई, मौत तो नहीं आती जो लकीरों में जीते हैं, राघा तो मौत की तलाश में जिंदा है। 4 इंच की गोली, 4 फुट की शॉर्टकट, बहुत नाइंसाफी है।
क्यों शॉर्टकट? पाकिस्तान में ऊंट पे बैठती थी, यहाँ घोड़ा मेरे सर पे बैठा है, जैसी फर्क नहीं है। जुआ वो नशा है जो एक बार जीते तो इंसान को वापस खींच लाता है। क्यों आयशा? शायद तुम्हें कुछ बात है मूसा, जानते हुए भी कि मैं मौत के करीब हूँ, यहाँ आने से डरने लगता। तमांग कहता है तेरे पास वो हथियार है जो आने वाली मौत का रास्ता बदल सकता है। ना मैं लक पे जीता हूँ, ना तकदीर मेरा हथियार। रहा आने वाली मौत का सवाल, वो तो तुम आजमा चुके हो। ये कोई माफिया या अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस। जुआ खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक मजबूत हो। हम किसी के लक को खरीदते नहीं, ना ही हम किसी के लक को मारते हैं। हमारे बीच 20 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, इस बीच कोई निकलना चाहे तो याद रहे, लोग यहां आते हैं जब तमांग उन्हें लाता है, लेकिन लोग तब जाते हैं जब मूसा का लक उन्हें कमजोर कर देता है। आजमा लक, आजमा, गुड लक, आजमा वक्त, आजमा अपनी किस्मत की बाजी, आजमा, आजमा लक, आजमा। मार दे मुझे, धंधा है ना तेरा, मेरे हाथों किसी और इंसान की जान जाए उससे बेहतर है मुझे मार दे। मैं जानता हूं तुझे अपने आप पर घिन आ रही है क्योंकि आज तूने किसी की जान ली है, कल तक सब कुछ भूल जाएगा। मैंने सोचा तुझमें एक इंसान है तमाम, मैं गलत था। क्यों करता है ये सब मूसा? मूसा भाई के लिए, अपने लिए। हर इंसान अपना नसीब लेकर आता है राम। नीचे उस शहर को देखो, तुम और तुम्हारे जैसे लोग उस रोशनी की तरह है जो मुझे से अंधेरे को जिंदा रखती है। तुम सच तो मैं झूठ, तुम दिन तो मैं रात, तुम खुश नसीब तो मैं बदनसीबी की मिसाल। मैं समझा नहीं। एक जमाने का सबसे बड़ा जुआरी लाखन तमांग सब कुछ हार गया, जुए का नशा, लाखों की उधारी, फिर दबड़ी चावल में आग लगने से बीवी बच्चे की जान गई, जिंदगी राख बन चुकी थी, बस एक ही रास्ता बचा था, खुदकुशी। उस आखिरी मोड़ पर किसी ने मेरा रास्ता काट दिया, मेरे अंदर के मरे हुए इंसान को गंदा दिया।
जान देने से लकीरें मिट जाती हैं और जिंदा रहने से शायद लकीरें बदल सकती हैं। मेरे लिए काम करेगा मूछा भाई? उधारी का बहुत पैसा चुकाना है, इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, इसीलिए दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा था। इंसान जब लंगड़ा हो जाता है तो वो मरता नहीं, बैसाखी पे चलता है। तू तो सिर्फ तकदीर का अपाहिज है तमांग। सांप न्योले को ढूंढता है, पूरी इस चोर को सूंघ के निकालती है। उसी तरह तू उन लोगों को सूंघ के निकाल जिनका लक मूसा के सामने टिक सके। बेटिंग की दुनिया को मैं उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं जहां पैसों के सामने मौत भी छोटी लगने लगे। खुदा हाफिज। उस दिन से आज तक ना लक ने मुझे छोड़ा ना मैंने उसे आजमाया। अजीब धंधा है, जो आजमाना चाहते हैं उनके पास लक नहीं, और जिनके पास लक है वो आजमाने से डरते हैं। बिजनेस, प्योर बिजनेस। जाओ कुछ खा लो। शॉर्टकट। सॉरी, मेरा नाम है शॉर्टकट। तुम? राम। राम, ये तुम सुबह दोपहर और शाम का एक साथ खा रही हो? क्या भरोसा, बंदूक की तरह इस मिठाई में भी गोली डाल दियो। एक गोली, पांच खाली, मिठाई खाली, खोपड़ी खाली। क्या उम्र है तुम्हारी? 15-16। बस तुम्हें रहने के लिए काफी है किसी भी रेस में। देखते हैं, फिलहाल ये तो खा लो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं गुड इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई मर गया क्या? प्रॉब्लम क्या है? हम सब जिंदा हैं, इतने पैसे कमाए। अरे भाई, हम लोगों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, है ना? मेजर आपका भी। ए वेट वेट वेट, टू बॉटल्स ऑफ शैंपेन फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। ओके ऑलराइट। नो थैंक्स। ठीक है, तुम तो पियोगे ना? मैं सिर्फ दोस्तों के साथ पीता हूँ। ये लो, इतनी सी प्रॉब्लम, हाथ दो। आम राघव, लो, दोस्ती हो गई ना। वैसे भी हम दोनों के शौक भी तो जैसे हैं। जैसे? लोगों को मारना। तुम्हें कैसे पता मैं आर्मी से हूं? पर्दी वालों के शरीर से एक जैसी बू आती है। सच कहूं तो बदबू। आप एक और टेबल क्यों नहीं लेते? आपसे बात करने का मूड नहीं है। अरे जब वैसे भी यहां खाने में कोई खास मसाला नहीं, डिजर्ट पर हाथ मार गया था। अब आप ठीक हैं? सॉरी? नहीं, दोपहर में आप थोड़ी स्ट्रेस थी। आई ओके ना? मैं ठीक हूँ। देखिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल क्या ये आपकी है? नहीं, ये मेरी नहीं है। क्या आपकी? आई एम सो सॉरी, ये आपके टेबल पर थी और मुझे लगा कि आपकी शायद गुम हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे रिसेप्शन पे दे देता हूँ।
वैसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। सुनिए जी, सॉरी, शायद मेरे बात करने का तरीका गलत था, मैं जरा डिस्टर्ब्ड हूँ आज। ऑफ कोर्स, जो आज हम लोगों के साथ इन लोगों ने करवाया उसे भूलना इतना आसान नहीं है। मैं भी काफी डिस्टर्ब। क्या आपने भी पहली बार किसी को, मुझसे भी? शायद हम इन लोगों की तरह प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं। वेल, आई एम राघव। आयशा। आयशा, वेरी नाइस नेम। आयशा, मैं शैंपेन पीने जा रहा था, वुड यू जॉइन मी प्लीज? मैं आमतौर पे पीती नहीं। आमतौर पर हम लोगों को मारते भी तो नहीं है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हाँ माँ। कैसा है तू बेटा? तेरा फोन नहीं आया था ना, मुझे फिक्र होने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, संभाल के रखना। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं बेटा, तू ये बता तू कब वापस आ रहा है? बहुत जल्द, काम खत्म होते ही। I love you, Mom. माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? अगर मैं ये ना करूं तो पूरी जिंदगी कर्ज में दबी रहेगी। कम से कम माँ के पास तो पैसे होंगे। पैसा किसी बेटे की जगह नहीं ले सकता राम। तुम भी तो ये पैसों के लिए कर रहे हो। मेरी बात अलग है। कितनी अलग? खैर छोड़ो, 20 दिन इस गेम में जिंदा रहना है, चांसेस बहुत कम है, जानते हो ना? जानता हूं, चांस लिया है, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। फौज में कहा करते थे, जाको रखे सैया, मार सके ना कोई। नाइस मीटिंग राम। थैंक्स, वाकई आपने मेरा मूड चेंज कर दिया। आई एम फीलिंग मच बेटर। मूड और इरादा तो आपने मेरा चेंज कर दिया है। इरादा? ये आपके लिए। ये आप रिसेप्शन पे देने वाले थे ना, ये किसी और की नहीं हो सकती। सिर्फ आपकी उंगलियां इस पत्थर को अंगूठी का दर्जा दे सकती हैं। मेरी तरफ से एक छोटा तोहफा, ले लो। गुड नाइट। ये मोबाइल शायद आपका है, नीचे रह गया था। थैंक्स। कुछ मिस्ड कॉल्स होंगे, रास्ते में बज रहा था। पता नहीं, अनजान नंबर्स हैं। अनजान तो ये जगह है, अजनबी लोगों से इतनी बातचीत। खैर ठीक है। तुम्हारा मतलब उस राघव से है? जस्ट बी केयरफुल। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं। फर्क है, कुछ काम हो तो वो आखिरी कमरा मेरा है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें याद करूंगी? सबसे करीब कमरा मेरा ही है। कमरा करीब होने से इंसान करीब नहीं होता। शुक्रिया अदा करने से दोस्ती की शुरुआत तो हो सकती है। यहाँ लोग अपनी जान खो देते हैं, आपका तो सिर्फ मोबाइल खो रहा था।
अंगूठी थी ना, क्यों निकाल दिया आपने? मेरी जेब में है। जेब में? अंगूठी पहनने के लिए होती है, जेब में रखने के लिए नहीं होती। और जेब में रखना अपशकुन होता है। देखिए आप यूं ही बात बना रहे हैं, इट्स रियली नॉट। नहीं, ये सच है, आई एम सीरियस। पहलू से अच्छा पहलू। मैं कितना खुश नसीब हूं, आज मेरे चारों तरफ लक ही लक है। 12 पैराशूट्स, अजीब गेम है ना, लेकिन इन पैराशूट्स के साथ तुम लोगों का लक जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? 12 पैराशूट्स में से 9 खुलेंगे और 3 नहीं खुलेंगे। Whoever's lucky will pick up the right parachutes and live, and who's not lucky will die. That's sick. No, that's what luck is all about. शॉर्टकट तो टेंशन मत ले, अगर गलत भी उठा ली तो। क्या मतलब? तू पैसा कमाने का शॉर्टकट है ना, ये तेरे ऊपर जाने का शॉर्टकट है। अगर मेरा पैराशूट नहीं खुला ना, कसम से तेरे को साथ में लेके मरूंगी। इतना प्यार? एक कहावत है, जब इंसान का टाइम खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे बैठे भी कुत्ता उसे काट लेता है। गेम में एक अच्छी बात है और एक बुरी। मैं नहीं सुनना चाहती। बुरी बात यह है कि कम से कम 2000 फीट की ऊंचाई है। अच्छी बात सुनोगी? तुम वैसे भी बताओगे। अच्छी बात यह है कि इतनी ऊंचाई से गिर के मौत का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, अच्छा है। दोनों सूरतों में हम नीचे तो जरूर जाएंगे, बस देखना इतना है कि आंखें खुली रहेंगी या बंद। कोई शक? कोई शक नहीं मेजर। 3 मिनट के गेम में अगर 3 सेकंड लक ने तुम्हारा साथ दिया ना तो 3 करोड़ बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you.
up the honesty. But your tickets went the funny la 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 la. ठीक हूँ, इतना भी मेला नहीं है। पैराशूट से कूदने के वक्त क्या सोच रही थी? कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें बिना सोचे करनी चाहिए। डर नहीं लगा? ऊपर जाने से डर लगता है, हम तो नीचे जा रहे थे। इंटरेस्टिंग, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। जरूरी नहीं कि तुम मेरी तरह सोचो। मतलब तुम शायद कुछ खो ना दो इसलिए यहाँ हूँ। मैंने कुछ खो दिया है इसलिए यहाँ हूँ। देखो तुमने क्या खोया है ये मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि मैं कुछ खोने लगा हूँ। देर पहले यहीं से गुजरे होंगे। ऊंट के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? दौड़ाती थी मटके की रेस में, अरबी लोग पैसा लगाते थे, वहीं से तमांग ने उठाया, बोला बड़ी रेस में चल। साला यहाँ तो ना रेस है ना पुलिस का केस है, सिर्फ मनवाने के धंधे हैं। माँ बाप को मालूम है तू यहाँ है? उन्होंने तो भेजा मुझे। भेज दिया? हाँ, एक अरबी सेठ को 15,000 में। क्या करते, उन्हें पैसों की जरूरत थी, और वैसे भी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं। अगर कुछ है तुम और तुम्हारा लक निकल जाने का शॉर्टकट से। 16 साल की उम्र में बहुत बोलती है तू। बोलती नहीं करती भी हूँ, माँ कसम तुम सबको चकमा दूंगी, देखना एक दिन बड़ा हाथ मारूंगी। क्या करेगी बड़ा हाथ मार के? जो जो सोचा है वो सब खरीदूंगी। और क्या क्या सोचा है? साला अक्खा जिंदगी ऊंट के नीचे निकाला, वो अरब लोग की तरह मैं भी अपनी लेक्सस लूंगी। लेक्सस? हाँ वही, पाकिस्तान की गलियों में जोर जोर से हिमेश भाई के गाने बजाऊंगी, फुल वॉल्यूम म्यूजिक, और सब मुझको देख के बोलेंगे वो देखो शॉर्टकट जा रही है। पर साला एक बात का अफसोस रहेगा,
वो क्या? अरे तुम दोनों नहीं होंगे ना? क्यों नहीं? तब तक तो तुम दोनों लुढ़क चुके होंगे। हाँ मूसा भाई, मैंने तुमसे कहा था ना तमांग कि बेटे की दुनिया को मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा जहां मौत भी छोटी लगने लगे। आज वो वक्त आ गया है। आज तक इतना पैसा नहीं लगा जितना कल की गेम पे है, स्पेशली राम पे। All set? फिक्र मत करो मूसा भाई, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। वेलकम पीपल। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जहां चाहते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे अपने आप को किस्मत के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए। वक्त की फितरत खोल दे किस्मत, खुद पे भरोसा है तो आजमा ले अपने। इन 300 चाबियों में से कुछ चाबियां ऐसी हैं जो तुम्हारी हथकड़ी खोल सकती है। इफ यू आर लकी यू विल फाइंड द राइट की। ओनली वन की विल अनलॉक यू। ऑल द बेस्ट। We'll be right back.
आंखों से ख्वाब रूठे अपनों के साथ झूठे तपती हुई राहों में बैरों के छाले फूटे Family? Come with me. ऊंट की रेस किस्मत हर जीत किस्मत दिमाग का उड़ाना किस्मत लिक्सस न ले पाना बदकिस्मत मेजर रोने का नहीं आठ नंबर का ऊंट लंगड़ा था फिर भी जीता एक दिन मैं वापस जीतूंगी चार फुट की बॉडी से थोड़ा लग कम होगा क्या फर्क पड़ता है फिलहाल अब उनके पास इतना पैसा है छोटा मोटा गाड़ी ले सकती तो रिटायर मेरा ड्राइवर बनेगा ना हाँ एक पैर खोने से तीन हाथ मिले सौदा बुरा नहीं है बॉस मेरा लक तुम सबके साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक मेजर जावर प्रताप हेलो मेजर बात कर सकता हूँ वो सो रही है मेजर फोन उसके करीब ले जाइए डॉक डोंट गिव अप
आशा तुम ठीक तो हो? या आई विल बी फाइन। आई विल टेक केयर। कम। थैंक यू। थैंक्स। अकेले रह पाओगी? मैं ठीक हूँ, कुछ देर सो लूंगी। अच्छा तो तुम सो लो, मैं तब तक यहीं इंतजार करता हूँ। नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्यों आशा? क्योंकि मैं राम नहीं हूँ। गुड नाइट राघव। राघव रघुवरन, जेल में ये रिंग किलर के नाम से जाना जाता था। आयशा से पहले 13 लड़कियां जिन्होंने राघव को ठुकराया, कोई जिंदा नहीं बचा। मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर। राघव चाहे कितना भी हरामी क्यों ना हो, मगर हमारे लिए बहुत कीमती है। सबसे ज्यादा पैसा लगा है इस पे। तुझे क्या लगा? तो कैसे मुझे मारकर आयशा तेरी हो जाएगी? बस, बस राम, इनफ। यस कमांड, काय को काटा रे? गलती से कट गया। गलती से नहीं, तूने जानबूझ के काटा। छोड़, तेरे को पता दो गलती कैसे। चुप, छोड़। चुप। इस तरह चिल्लाएगा तो गलती दोबारा हो जाएगा। काट, ले काट। क्या हुआ? मुझसे और नहीं होगा मेजर। सिर्फ 18 दिन पहले एक राम अपने सपनों के पीछे भागने निकला। एक रास्ता मिला जो मंजिल पाने का शॉर्टकट था। अब यहां से साफ नजर आ रहा है मेजर, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये एक दलदल है। अगर आज नहीं निकला तो कभी नहीं। बेटिंग एक बीमारी है राम। मूसा और तमांग जैसे कई लोग दुनिया भर से पैसे लगा चुके हैं। हम ताश के सिर्फ दिन पत्ते हैं। जब तक किसी और का लक हमें पैक ना करे, हम इस गेम से निकल नहीं सकते। कुछ पत्ते ऐसे खुलते हैं मेजर जो खेलने वाले को ही पैक कर देते हैं। अंजना, तमांग, आयशा, वेलकम। आयशा, अच्छा हुआ तमांग तुम इसे यहां ले आए। ये भी तो देखे कि इनमें से सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है। राघव पर 800,000 डॉलर लगे हैं, मेजर पर 600,000 और राम पर 1,000,000। तुम होती तो किस पर खेलती आयशा? मैं तुम पे खेलना चाहती हूं मूसा। तुम्हें क्या लगता है ये 4 इंच की गोली मेरे 40 साल के लक को बदल देगी? तुमने बहुत लोगों के लक को आजमाया है मूसा, आज मैं तेरा लक आजमाना चाहती हूँ। कब से इस मौके का इंतजार था मुझे। चला गोली, तू यहां जिस मकसद से आई है उसे भी आजमा ले। अब तक तुझे एहसास नहीं हुआ कि तू सिर्फ राम की लक पे जिंदा है। वेलकम टू द लास्ट गेम राम। मैं गेम से निकलना चाहता हूं मूसा।
तुम्हारे सामने अपना लक आजमाने को तैयार हूँ। सिर्फ एक दिन बचा है और एक गेम, और तू जाना चाहता है। आज तक हमारे धंधे में इतना पैसा किसी पे नहीं लगा है जितना तुझ पे राम। पता नहीं क्यों आज तुम्हारे लिए अपनी गेम के असूलों को बदलने का दिल करता है। तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन जाने से पहले तू ये देख ले कि ना खेलने से तू क्या हार सकता है। आयशा, नताशा। नताशा? हाँ नताशा, शक्ल एक सी नाम एक सा, ट्विन सिस्टर्स। पैदा होने के वक्त में 2 मिनट का फासला, अब यह देखना होगा कि उनके लक में कितना फासला हो सकता है। 6 महीने पहले आयशा यहां आई थी, 20 दिन में 20 लाख कमाकर चली गई। और इस बार नताशा आयशा बनकर आई। जब पहले दिन उसके हाथ कांपने लगे तो मुझे शक हुआ, क्योंकि आयशा कभी डरती नहीं थी। यहां से जाने के बाद और पैसों के लालच में आयशा ने सारे पैसे गवा दिए। अपने घर वो पैसे नहीं भेज पाई, मजबूरन उसने खुदकुशी कर ली। और इस बार नताशा मूसा भाई को जिम्मेदार समझकर इनकी जान लेने आई थी। हमें नताशा के लक से कोई लगाव नहीं है राम, तुम्हारे लक से है। जैकपॉट, 7 मिनट, 8 स्टेशन और तुम 6। इस गेम में पैसे लगे हैं तुझ पे राम। ठीक 7 मिनट में यह ट्रेन नताशा को इस पेट्रोल टैंकर में चीरती हुई निकल जाएगी। काश मैं उस ट्रेन की रफ्तार को और उस ट्रेन पे लगे हुए माइंस को रोक सकता, लेकिन क्या करूं, बिजनेस, प्योर बिजनेस राम। क्या तेरे लक की रफ्तार इस ट्रेन की रफ्तार को रोक पाएगी? अगर तूने इस ट्रेन को रोक लिया तो तुझे 20 करोड़ मिलेंगे, और अगर तू नाकामयाब हो गया तो तुझे रोकने वाले को 20 करोड़ मिलेंगे। तू ये गेम खेलेगा तेरी नताशा के लिए। जो लड़की राघव को नहीं मिलती वो उसे मार डालता है। और मेजर, तुम ये गेम खेलोगे पैसों के लिए, अपनी मजबूरी के लिए। नहीं, इस बार मेजर पैसों के लिए नहीं खेलेगा, इस बार वो राम के लिए खेलेगा। वो खेलेगा नताशा के लिए। ये मत भूलना कि राम अकेला नहीं है, उसके साथ मेजर जाबर प्रताप सिंह का लक जुड़ा हुआ है। लगा ले जोर जितना तेरी तकदीर में है, दुश्मन को रोकना हमारी फितरत में है मूसा। कोई शक? तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। द ट्रेन इज ऑन इट्स वे राम। We'll be right back.
आजमा आजमा वो आजमा अपनी किस्मत की बाजी आजमा सुबह नहीं आजमा हाफ जारे आजमा अपनी किस्मत की बाजी प्रवाह पावितस्तरेन्द्रेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाण्डवर्भयच्छकार चण्डताण्डवं तनूतुल शिव
ठीक हो? मेजर साहब, कोई शक? राम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। ये रहे तुम्हारे 20 करोड़, तुम जा सकते हो। नहीं मूसा, मैं और खेलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं क्या मेरा लक तुझे कमजोर कर सकता है। 2 पिस्तौल याद है? एक तेरी एक मेरी। एक गोली डाली, 5 खाली, सिर पे दानी, खोपड़ी खाली। लगा बैठ, मरना चाहता है। जुआ खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक मजबूत हो। अच्छा है, अब तू सीख गया बेटिंग की बोली। कहते हैं लक जितना घिसता है उसकी धार उतनी तेज होती है। Good luck. एक तरफ मूसा भाई है जिनकी जीत की मैं दुआ करता हूं, और एक तरफ तू है जिसे मैं हारते हुए देखना नहीं चाहता। इंसान जब लक के भरोसे पर खेलता है तो उसे हारने का डर रहता है, मगर जो दिल से खेलता है लक हमेशा उसका साथ देता है। Good luck, राम। जो दिल से खेलता है लक हमेशा उसका साथ देता है। कैसे हो? जिंदा हूं। Don't move. Your wound is still fresh. You're a very lucky man, you know that? मैं आपको समझाता हूं। ये आपका एक्सरे है। गोली का पॉइंट एग्जैक्ट उस जगह पे था जहां आपका हार्ट होना चाहिए था। होना चाहिए था? मतलब करीब 50,000 लोगों में से कोई एक ऐसा पैदा होता है जिसकी बॉडी को हम मेडिकल टर्म्स में मिरर इमेज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका हार्ट लेफ्ट की जगह राइट की ओर होता है। यह अजीब जरूर है मगर हकीकत है।
खास तौर से आपके केस में मिस्टर राम। इट्स अ मिरेकल जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। टेक रेस्ट मिस्टर राम, यू नीड इट। राम, मैंने सोचा तेरा राम नाम सत्य हो गया, लेकिन जब ये डॉक्टर से तेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना ना, तो मेरा दिमाग घूम गया। मटके की दुनिया में मैं बेताज बादशाह हूं, लेकिन तू सलाइका निकला। हाँ, पहली बार मूसा की गोली से कोई बचा है। मेरी गोली तो सही जगह लगी, लेकिन तेरा जिगरा गलत जगह निकला। आज पहली बार मूसा के कोई टक्कर का मिला है। 20 दिन में 20 करोड़, लाइफ में यू टर्न। जिंदगी में लक भी सिर्फ उसका साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा हो। गुड लक। तमंग, तू जानता था मेरे हार्ट के बारे में? पहली मुलाकात में मैंने तुझसे बोला था, तेरे बारे में मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। धंधा है तमंग का, धंधा है। आज के बाद मिलना मत। कमाए हुए पैसों से शॉर्टकट प्रोस्थेटिक लेग के जरिए एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 8 नंबर के ऊंट की तरह जीतने के लिए एक बार फिर तैयार। मेजर ने अपनी बीवी को बचाकर लकी मेजर जावर प्रताप सिंह का खिताब बरकरार रखा। नताशा को हमेशा के लिए राम के लक का सहारा मिला और राम को फिर सिर उठाकर जीने की जिंदगी मिली। Yeah, yeah, so I see.
I'm running through. I don't need an insecure lady.